हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 3 अप्रैल 2019 की प्रीलिम्स अबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की हमारी कुछ क्वेश्चंस, फिर देखते हैं न्यूज़। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है वो आया है बेसिकली एमीसैट सेटेलाइट को लेकर, जिसके बारे में हमने कल ही न्यूज़ है वो डिस्कस की थी। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है किसको लेके, एमीसैट सेटेलाइट को लेके। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह इंडिया के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सेटेलाइट है जो कि इसरो के द्वारा डेवलप है, वो क्या गया है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो डिटेक्ट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं अर्थ के ऊपर उनको डिटेक्ट करता है, और इसी के साथ ही जो हिडन इनेमी राडार्स हैं उनको ये इलेक्ट्रिक से मतलब आइडेंटिफाई है वो करता है, उनको डिटेक्ट करता है। हमें पूछा कि कौन सा करेक्ट है। देखो पहला स्टेटमेंट है ना, एक बार ढंग से देख पढ़ना। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सेटेलाइट डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इसरो। पहला स्टेटमेंट यहाँ तक बिल्कुल सही है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सेटेलाइट है, बट यह डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, हमने कल डिस्कस किया था, ना कि इसरो के द्वारा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है, वो हो जाता है। तो पहले को आप एलिमिनेट करो, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली एलिनो और लानिनो को लेके दो स्टेटमेंट है, और हमें यहाँ पे ध्यान रखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लानिनो होती है वो एक एबनॉर्मल मतलब एक असाधारण वार्मिंग होती है, मतलब कि ये पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लानिनो में पानी है वो असाधारण तरीके से गर्म हो जाता है इक्विटोरियल पैसिफिक ओशियन में। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एलनिनो है वो लानिनो का अपोजिट होता है, उसके जस्ट विरोधी होता है, और ये इसमें बेसिकली एबनॉर्मल कूलिंग हो जाती है, यानी एलनिनो में कूलिंग हो जाती है ओशियन टेम्परेचर की सेम पेसिफिक रीजन में। देखो यहाँ पे दोनों ही दोनों स्टेटमेंट है ना वो गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे उल्टे दिए गए हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। कैसे वो देखते हैं। देखो हमें पता है कि एलनिनो में क्या होता है, जैसे एक सेकंड अपन मैप बनाए, ये यहाँ पे पैसिफिक ओशन हो गया इधर, इस जो सॉरी यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ पे पैसिफिक ओशन, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर इधर हमारा इंडियन ओशन है, जो हमारी इंडियन आप बोल सकते हो साउथ ईस्ट एशिया वगैरह ऐसा स्टार्ट यहाँ हो गया। तो आपको पता है कि ये वाला एरिया जब गर्म हो जाता है, यहाँ पे गर्म करंट फ्लो करना, पेरू करंट हो, यहाँ पे गर्म होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में एलिनो आता है। जबकि देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि लानिनो में पानी गर्म होता है इक्विटोरियल वाला, मतलब उल्टा बोल रहा है, लानिनो में तो पानी नॉर्मल कंडीशन होती है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो एलनिनो है वो लानिनो का अपोजिट होता है, बिल्कुल ये इतना सही है। इसके बाद में क्या कह रहा है कि एलनिनो है उसमें ठंडा हो जाता है, कूलिंग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इसका गलत है। तो इसने पूछा कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर सी है वो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है ऑपरेशन पी हंट है, वो न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में काफी बार आपने देखा होगा कि यह किससे रिलेटेड है। देखो जो ऑपरेशन पी हंट है ना वो बेसिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एलिमिनेट करने के लिए चलाया गया है, तो इसका आंसर बी है वो हो जाएगा अपने यहाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है वनुआटू आइलैंड को लेके आए हैं। वनुआटू इज ए आइलैंड कंट्री जो कि लोकेशन कहाँ है इसकी, ये आपको बतानी है। देखो जो हम एक बार मैपिंग देख लेते हैं ताकि क्लियर भी हो जाए। ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो मेनली पैसिफिक ओशन के पास ऑस्ट्रेलिया का और जो छोटे आइलैंड है वो, और ये आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न साइड है वो यहाँ पे फिजी कंट्री है जो आपको दिख रही होगी, और इस फिजी कंट्री के पास में ही है वनुआटू आइलैंड कंट्री जो कि छोटे छोटे आइलैंड से बनी हुई एक कंट्री है। इसके साथ ही यहाँ पे पापा न्यू गिनिया कंट्री के बारे में बताइए। आप ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे जो पापा न्यू गिनिया के पास जो यहाँ पे एक स्टेट है इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के साथ ही आप ये बताना कि न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ न्यूजीलैंड और जो साउथ न्यूजीलैंड है इसको जो यहाँ पे पानी की जो स्टेट डिवाइड करी है इसका नाम क्या है। और एक आप ये बताना ऑस्ट्रेलिया और जो यहाँ पे तस्मानिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, यहाँ पे भी एक स्टेट है, इसका नाम क्या है। आज के लिए आपके 3 क्वेश्चन हैं, तीनों ही क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में, काफी इंपॉर्टेंट। देखो मैपिंग एग्जाम के लिए ऐसा नहीं कि आप एक दिन में मैपिंग को क्लियर कर सकते हो, मैपिंग आप जितना मैप देखोगे डेली 2-4 मिनट तभी ये सारी चीजें क्लियर हैं वो होती है। तो आपको ये बताना है तीनों क्वेश्चन कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट है, यहाँ पे यूपीएससी ने कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट कोटिल्या को लेके, यह किससे रिलेटेड है। देखो प्रोजेक्ट कोटिल्या है ना इसी के तहत डीआरडीओ ने जो एमीसैट सेटेलाइट है ना वो डेवलप किया था, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट कोटिल्या है वो इसरो का नहीं है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है, और यह प्रोजेक्ट कोटिल्या के तहत ही इसरो सॉरी डीआरडीओ ने एमीसैट सेटेलाइट का निर्माण है वो किया था,
अब देखते हैं आज की हमारी न्यूज। आज की जो पहली न्यूज है वो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि EPCA को लेके। पहली बात कहें, देखो जो बॉडी है ना, ये अथॉरिटी है, ये बेसिकली स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बनाई गई थी और इसके बाद में इसको दर्जा दे दिया गया था स्टेचुरी बॉडी का। ये आपको ध्यान में रखना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। मतलब पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इसके बाद में जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नोटिफाई है वो कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बॉडी मेनली बनाई गई थी दिल्ली, दिल्ली NCR के लिए स्पेशली इस बॉडी का निर्माण है वो किया गया है। इस बॉडी का मोटो ये था कि दिल्ली NCR के एरिया में जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है ना, इससे निपटने के लिए अथॉरिटी है वो काम करेगी। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में हमारे देश में पोल्यूशन की काफ़ी गंभीर समस्या रहती है, चाहे सर्दियों की बात करो या फिर चाहे गर्मियों में भी। और इसलिए उससे डील करने के लिए, पोल्यूशन से किस तरीके से निपटना है, किस किस तरीके से प्लान लेके आने हैं, वो सारे काम है वो इस बॉडी के द्वारा किए जाते हैं। तो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी दिल्ली के मैटर होते हैं वो इस बॉडी के द्वारा निपटाए जाते हैं। अब हम थोड़े इसके कुछ फीचर्स वगैरह देख लेते हैं क्या क्या हैं। देखो जो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन अथॉरिटी है ना, इसमें एक तो चेयरपर्सन होता है और 14 इसके मेंबर हैं वो होते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, केवल और केवल दिल्ली NCR के लिए ही काम है वो करती है, ना कि अदर ऑल ओवर इंडिया के लिए है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन ऑर्डर दिया था, इसके बाद में इसका निर्माण है वो क्या गया था। इसका काम क्या है, एक तो इन्वायरमेंट में जो भी मतलब क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, इसी के साथ ही इन्वायरमेंट पोल्यूशन है दिल्ली NCR के एरिया में उसको कम करना, और इसी के साथ ही इसका एक इम्पोर्टेंट काम क्या है कि अगर दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है तो ये GRAP को इंट्रोड्यूस है वो करती है। GRAP का मतलब है आपके ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। अब क्या है ये हम देखते हैं। देखो ये इस तरीके से इसमें मेनली चार प्लान है वो बनाए गए हैं कि अगर दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है, जो PM 2.5 है, इसका लेवल है PM 2.5 and 10 है, इसकी जो मात्रा है इन्वायरमेंट में वो लगभग 61 से लेके 120 के आसपास है, तो उस कंडीशन में जो मतलब पोल्यूशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो जो आसपास के एरिया में कचरा वगैरह जलाया जाता है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो पटाखे वगैरह बैन किए थे उन चीज़ों को भी बैन यहाँ पे कर दिया जाएगा। मतलब जिस जिस तरीके से जितना पोल्यूशन बढ़ेगा उसी तरीके से प्लान है वो और ज़्यादा एक्सटेंड है वो होते रहेंगे। तो ये इस तरीके के प्लान यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके बाद जैसे ऐसे बनाया गया कि जो पोल्यूशन का लेवल है PM 2.5 और जो 10 की मात्रा है वो इन्वायरमेंट में 121 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से लेके 250 माइक्रोग्राम पर क्यूब तो हो जाती है, तो उस कंडीशन में कंडीशन है वो वेरी पुअर हो जाएगी और उस स्टेज में जो मेट्रो सर्विस है वो बढ़ा दी जाएगी और बस सर्विस है उसको बढ़ा दिया जाएगा और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको मतलब बढ़ाया जाएगा और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको घटाने की कोशिश है वो की जाएगी। इसके साथ ही डीजल जो व्हीकल्स हैं उनको बंद किया जाएगा। इसके बाद में बात की जाती है कि जैसे पोल्यूशन की मात्रा और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है तो फिर जो भट्ठे वगैरह हैं, ईंट भट्ठे आसपास में, उनको बंद कर दिया जाएगा। और अगर कंडीशन इमरजेंसी तक पहुंच जाती है कि भाई बहुत ही ज़्यादा PM 2.5 और 10 की मात्रा हो गई है तो उस कंडीशन में जो ट्रक वगैरह हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी दिल्ली में। इसके साथ ही इवन और जैसा फॉर्मूला स्टार्ट किया जा सकता है और इसके साथ ही जो स्कूल वगैरह हैं उनको भी शट डाउन किया जा सकता है। तो इस तरीके के कुछ ग्रेडेंट रिस्पॉन्सन एक्शन प्लान है वो दिल्ली के लिए डेवलप किए गए हैं ताकि पोल्यूशन से निजात है वो दिलाई जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है टोल्यूएंस को लेके। क्या है टोल्यूएन वो हम देखते हैं। देखो आपने कभी जो पेंट या जो थिनर वगैरह के अंदर जो स्मेल देखी है वो इसी टोल्यूएन की वजह से ही आती है। ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मान लीजिए जो पेट्रोकेमिकल वेस्ट है उसी का एक एग्जांपल है। मतलब जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है वो इसको एक तरह से प्रोड्यूस है वो करती हैं, और वैसे इसका जो यूज है वो रिफाइनरी, पेंट और जो टेक्सटाइल है या पेपर, जो रबड़ इंडस्ट्री है वो इसका यूज है वो मेनली करती हैं। तो UPSC पूछ सकती है कि यहाँ पे टोल्यूएन है वो क्या है। अभी कंटेक्स्ट यह है कि टोल्यूएन है ना, इसकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है वो एक्वाटिक लाइफ में देखी जाती हैं। जैसे कि जो मरीन बायोडायवर्सिटी है उसको काफ़ी बुरा प्रभाव है वो झेलना पड़ता है। इसी के साथ ही काफ़ी मतलब टॉक्सिक जहरीला होता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो अंदर जीव जंतु रहते हैं पानी के उनको काफ़ी बड़ी मात्रा में मतलब काफ़ी डिजीज हो जाती है, उनकी डेथ भी हो जाती है। तो उसी को लेकर एक आर्टिकल है वो आया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे है यूरेशिया लैंड्स का लेके। देखो यह एक बिल्ली की प्रजाति है जो कि मेनली यूरोप वाले हिस्से में आप कह सकते हो कि नॉर्मली वहाँ पे पाई जाती थी। वैसे तो खैर एशिया वाले हिस्से में भी है, बट यूरोप और एशिया के दोनों जॉइंट वाले हिस्से में पाई जाती है। UPSC पूछ सकती है कि यूरोशियन लाइनेक्स क्या है, यह एक बिल्ली की एक प्रजाति है। कंटेक्स्ट ये आया है कि अभी जो ये बिल्ली की प्रजाति है ना, ये लद्दाख और इसी के साथ ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलावा कश्मीर वैली में भी पाई गई है। मतलब यह नॉर्मली जो बिल्ली की प्रजाति है वो लद्दाख
और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पीओके है इसी हिस्से में पाई जाती है, बट अभी इस बिल्ली को कश्मीर वैली में भी देखा गया है। यह है कंटेक्स्ट। फिर ये बताया गया कि जो कश्मीर वैली है ना, यहाँ पे बिल्ली की तीन छोटी छोटी प्रजाति पाई जाती हैं। एक तो है जंगल कैट, दूसरी यहाँ पे लेपर्ड कैट, और तीसरी अभी यहाँ पे होगी यूरेशियन लाइनेक्स। तो ये यहाँ पे कंटेक्स्ट है वो दिया गया है। इसके बाद में ये बताया गया कि ये जो बिल्ली की प्रजाति है, ये मैंने जो बोरियल फॉरेस्ट होते हैं जो कि लगभग 5,500 से ऊंची हाइट वाले एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि 18,000 फीट की ऊंची हाइट पे बिल्लियां पाई जाती हैं, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है, इसलिए इनको आईयूसीएन की प्रोटेक्ट लिस्ट में लिस्ट कंसर्न में रखा गया है। तो ये लेके इसको कुछ फैक्ट है यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है, तो ध्यान में रखना है नॉर्थ इंडिया के हिस्से में ही जम्मू एंड कश्मीर में मेनली पाई जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जेनरिक मेडिसिन को लेके। देखो क्या होती है जेनरिक मेडिसिन, वो हम देखते हैं। जेनरिक मेडिसिन होती है वो जो नॉर्मली ब्रांडेड मेडिसिन होती है ना, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आज हम थोड़ा अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफी बार ये वर्ड आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। देखो होता क्या है, दवाई का थोड़ा हम प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरीके से मेडिसिन है वो डेवलप की जाती है। जैसे कि मान लो कि कोई भी एक कंपनी है, उसने कोई मेडिसिन डेवलप की है, तो उसके लिए देखो आपको बताया कि वो कंपनी काफ़ी सारे तो रिसर्च करती है, काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करती है, और इसी के बाद में वो पेटेंट वगैरह ले लेती है। क्यों वो पेटेंट इसलिए लेते हैं कि भाई उसने बहुत मेहनत की है तो वो अपना प्रॉफिट तो कमा सके। जैसे कि उसने 2 साल मेहनत की, 3 साल, कितनी भी हो, काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। देखो जब कोई मेडिसिन मार्केट में लाई जाती है किसी कंपनी के द्वारा, तो उससे पहले होता क्या है कि उस कंपनी को काफ़ी सारे क्लिनिक ट्रायल करने पड़ते हैं, उसको जगह जगह वेरीफाई करवाना होता है, इसी के बाद वो मार्केट में आती है। तो ये जो प्रोसीजर होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और काफ़ी महंगी होती है। इसलिए होता क्या है कि जिस भी कंपनी ने कोई मेडिसिन बनाई है ना, वो मार्केट में लेके आती तो उन्हें थोड़े प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी ऑब्वियसली महंगी तो रखेगी रखेगी स्टार्टिंग में। तो ये होता है नॉर्मल मेथड। अब होता क्या है, जैसे कि कोई सी भी कंपनी ने दवाई बनाई तो उसका एक टाइम पीरियड होता है पेटेंट का, कि भाई वो 20 साल, 25 साल, 15 साल तक ही उस पेटेंट को रख सकती है, इसके बाद में वो सब लोग उस दवाई वगैरह को कोई भी बना सकते हैं। तो आप ये देखिए, जैसे 15 साल के लिए मान लो पेटेंट मिला उस कंपनी को, 15 साल के बाद में वो मेडिसिन कोई और दूसरी कंपनी वगैरह है वो बना सकती है, उस सॉल्ट वगैरह को, उसमें इंटीग्रेंट आप बोल सकते हो जो भी उसमें इंग्रेडिएंट वगैरह यूज हुए हैं उनको लेके। बट होगा क्या कि जो दूसरी कंपनी जो भी जो सेम इंग्रेडिएंट्स वगैरह को लेके बनाएगी, उसको जो क्लिनिकल ट्रायल है, जो और तरह के उन्होंने एक तरीके से एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो कि एक्सपेरिमेंट करने हैं, उनका डाटा सबमिट नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं सॉल्ट का डाटा एक कंपनी ने सबमिट कर दिया, तो कोई जरूरी नहीं होता कि भाई वो दूसरी कंपनी है वो भी उन सारे डाटा को सबमिट करें। इसलिए आप देखोगे कि भाई दूसरी कंपनी है उसको तो कोई खर्चा ही नहीं पड़ा, तो वो सस्ती दवाई मार्केट में प्रोड्यूस कर सकती है, और उसी दवाई को बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। तो ये ध्यान रखना है, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड में वैसे कोई फर्क नहीं होता है, बस फर्क इसी चीज़ का होता है कि ब्रांडेड मेडिसिन है वो उस कंपनी के द्वारा खुद के द्वारा बनी गई है, तो उसका खुद का एक तरीके का पेटेंट हो जाता है, तो वो ब्रांडेड काफ़ी महंगी बेचते हैं। जेनरिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लिनिकल ट्रायल वगैरह एक कंपनी ने पहले कर लिए होते हैं और उनको खुद को क्लिनिकल ट्रायल वगैरह की जरूरत है वो नहीं होती है। तो उसी को लेके काफी बार आपने आर्टिकल देखा हो कि गवर्नमेंट जेनरिक मेडिसिन वगैरह को यूज करने के लिए कहती है, क्योंकि ये काफी सस्ती होती हैं, तो हमारे देश में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको काफी इजीली ट्रीटमेंट वो मिल सकता है। तो उसी को लेके आर्टिकल आया था, तो हमने इसे यहाँ पे कवर किया है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।